नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम ले चलते हैं आपको भंडार हाईवे रोड पर स्थित ई बाइक के भव्य शोरूम में। ई बाइक में दिवाली की बम्पर ऑफर के साथ साथ नई नई गाड़ियां आ चुकी हैं, और पेट्रोल से निजात पाने के लिए आपको ई बाइक सेंटर एक बार जरूर जाना चाहिए। महादेव ई बाइक जो मंडार हाईवे पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और ईदगाह के सामने है। देखिए, ये दिवाली की बम्पर ऑफर के साथ साथ नई गाड़ियां आई हैं, और आप यहां आकर एक बार ज़रूर सेवा का मौका दें। हमने जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि माइलेज जो है करीब 8 से 10 रुपए में आप 100-150 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं, यानी एक यूनिट में आपको 150 किलोमीटर के आसपास चल सकती है। और साथ ही साथ समय के साथ जो मांग है के आधार पर हमें भी बदलना पड़ेगा अपने आप को। ऐसी जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं के मुकाबले ये ई बाइक यहाँ आ चुकी हैं। मार्केट में ई गाड़ियाँ भी आने की तैयारी में है, बड़े शहरों में आ चुकी हैं। तो आप जब शुरुआत करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ई बाइक में क्या खर्च है, किस तरह से मेंटेनेंस आता है और किस तरह से अपने को ये लाभ देती है। क्योंकि जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा, और हम दूर से दूर उसको रिजेक्ट करते जाएंगे। एक बार अवश्य शोरूम पधारें, और शोरूम अभी ही पिछले महीने खुला है। अन्य जगशीराम जी कोहली के हाथों उद्घाटन हुआ है। आइए दिखाते हैं उस उद्घाटन के कुछ पल। देख सकते हैं गाड़ी फाइबर बॉडी से बनी और कितनी मजबूत है, आपको शोरूम मालिक बताएंगे। बताइए आप कैसे इसकी मजबूती। आप देखिए, ये जो इसका आगे का मरघाड़ है उस पर ये ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। देखिए, अगर दूसरे किसी गाड़ी का होता तो अभी तक टूट चुका होता। ये देखिए, मतलब फाइबर होने के बावजूद ये गाड़ी कितनी मजबूत है जिस पर उन्होंने ऊपर चढ़ के दिखाया। हमारे साथ में महादेव ई बाइक के मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास और किस तरह की बाइक है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो बैटरी ज़्यादा चलती है गाड़ी, और ये जीटी बॉस कंपनी की है, और इनमें हमने करीबन 3 साल की गारंटी रहती है। एक बार चार्ज करने से 150 किलोमीटर चलती है गाड़ी, और इसका चार्ज का खर्चा रहता है नॉर्मली 8 से 10 रुपया। 8 से 10 रुपया खर्चे में 150 किलोमीटर गाड़ी चलती है, और मेंटेनेंस खर्चा बिल्कुल जीरो रहता है। गाड़ी लेने के बाद में कोई खर्चा नहीं है, कोई सर्विस खर्चा नहीं आता।
आपके यहाँ पर लॉन्च सुविधा उपलब्ध है? हाँ, अपने यहाँ पर लॉन्च सुविधा भी उपलब्ध है। फिलहाल अभी विजय फाइनेंस से भी हो रहा है और एंटी फाइनेंस से और बाकी बैंक से बात चालू है और वो भी प्रोसेस चालू है और बाकी बैंक से भी फाइनेंस होना चालू हो जाएगा। बजाज के कार्ड बने हुए उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, बजाज के कार्ड बने हुए उनको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत रहती है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और फिलहाल में जो बजाज कार्ड बना हुआ है उनके लिमिट कम आ रही है तो उनको 6 महीने का स्टेटमेंट देना होगा और 6 महीने का स्टेटमेंट देने के बाद में लिमिट बढ़ जाएगी, बाद में वो गाड़ी लेकर जा सकते हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। और फिलहाल किसी के आधार भी बजाज कार्ड नहीं बना हुआ है उनको आधार कार्ड लाना है, पैन कार्ड लाना है और बैंक स्टेटमेंट लाना है और ATM लाना है, स्टेटमेंट 6 महीने का लाना है। और हैंड ओवर बजाज फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस को होने के बाद में अब गाड़ी ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिवाली पर आपका कोई बंपर ऑफर चल रही है क्या इस पर? हाँ, अपने यहाँ बंपर ऑफर चल रही है फिलहाल में, जो नवरात्रि से लगा चल रही है, दीपावली से ऑफर चल रही है। इसमें कैशबैक 2500 रुपये का है, कैशबैक 2500 का है, 1100 कैशबैक है और गिफ्ट टेम्पर है, सिल्वर का सिक्का है 10 ग्राम का और GT1 हाँ GT1 का है बाइक, वो भी इनाम में है? हाँ, वो भी इनाम में है। अच्छा, ये इसका क्या प्रोसेस क्या है इसका? हाँ, इसका प्रोसेस है नारियल फोड़ो इनाम पाओ, नारियल आपको दिया जाएगा, नारियल फोड़ने के अंदर से कूपन निकलेगी, जो कूपन निकलेगी जो ड्रॉ खुलेगा वो आपको हाथों हाथ दिया जाएगा, बिल करने के बाद में से नारियल देने के बाद में से ड्रॉ होगा, गाड़ी लेने पर ड्रॉ दिया जाएगा और आप गिफ्ट हैंड ओवर ले जा सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।